हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर 14, व्हेन द अर्थ शूक, मतलब जब अर्थ हिली, धरती जब हिली। शूक का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब हिलती है, तो जब अर्थ हिली उसकी ये स्टोरी है। अब बैड ड्रीम, एक बहुत ही बुरा सपना। हेल्प हेल्प, सेव मी, आह ऊ, मतलब हेल्प, बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, इस टाइप की जो है आवाज़ें हर तरफ से आ रही थी। देयर वॉज अ स्क्रीमिंग, मतलब लोग चिल्ला रहे थे। शाउटिंग, हर तरफ से स्क्रीमिंग शाउटिंग की आवाज़ें आ रही थी। ग्राउंड जो है वो शेक हो रहा था, मतलब हिल रहा था। और पीपल, लोग हर तरफ इधर उधर भाग रहे थे। स्क्रीमिंग लाउडली आई कॉट अप, बहुत ही ज़्यादा मतलब आवाज़ें हो रही थी और चिल्लाते हुए मेरी भी जो है वो, मैं उठी। आई हर्ड मी माई मदर ऑल्सो वोक अप ऑन हियरिंग मी माई मदर ऑल्सो वोक अप, और मेरी आवाज़ सुन करके मेरी जो है मदर वो भी उठ गई। शी केम रनिंग एंड हेल्प मी टाइट, और वो भाग कर आई और उन्होंने बहुत ही टाइटली मुझे पकड़ लिया। इट वॉज़ द सेम बैड ड्रीम, और ये बिल्कुल सेम बैड ड्रीम था, पूरा सपना था। इट हैज़ बीन मोर देन 6 ईयर्स नाउ सिंस द अर्थक्वेक, बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रेवलिंग, और 6 साल हो गए हैं अर्थक्वेक को, मतलब उस भूकंप को आए 6 साल हो चुके हैं, और फिर भी 6 साल से मुझे ये सपना जो है वो आज भी आ रहा है। मैं ये फील करती हूँ कि जो अर्थ है वो शेक कर रही है और ट्रम्बल कर रही है, हिल रही है। आई एम जास्मा, आई लिव इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। आई वॉज 11 ईयर्स ओल्ड वेन देयर वॉज एन अर्थक्वेक, और मैं जो हूँ, मैं जास्मा हूँ, मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहती हूँ। मैं 11 साल की थी जब अर्थक्वेक जो है भूकंप आया था। इट वॉज 26 जनवरी 2001। एवरी वन फ्रॉम द विलेज, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल हैड गैदर्ड इन द ग्राउंड ऑफ द स्कूल टू वॉच द परेड ऑन टीवी, और ये 26 जनवरी 2001 की बात है। गांव के लोग, बच्चे, सब लोग गैदर थे। गैदर का मतलब होता है इकट्ठे हो गए थे ग्राउंड में, जो है मैदान है उसमें, स्कूल के मैदान में, टीवी पे परेड को देखने के लिए। सडनली क्या हुआ, ग्राउंड जो है वो शेक करने लगा, हिलने लगा, और पीपल वर स्कैर्ड, लोगों को डर लगा और इधर उधर वो लोग भागने लगे, और किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और उन्हें क्या करना चाहिए। हर तरफ टोटल पैनिक था, मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। और कुछ मिनट में ही हमारा विलेज जो था वो पूरी की तरह पूरा वॉज फ्लैट ऑन ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पर पूरी तरीके से सारे के सारी चीज़ें गिरी पड़ी थी। हमारे जो सामान थे, हमारे कपड़े, हमारे पॉट्स, हमारे ग्रेन्स, हमारा फूड, सारे के सारे जो ट्रैप्ड थे, सारे के सारे सामानों के ऊपर जो है पत्थर पड़े हुए थे, पत्थर गिर गए थे। जो घर हैं उनकी दीवारें टूट कर गिर गई थी। मड एंड वुड फ्रॉम द फॉलन हाउसेज, मिट्टी और लकड़ी और सारी की सारी जो घरों से टूट करके नीचे गिर गई थी, और सारा सामान उसके नीचे दबा हुआ था। एट दैट टाइम एवरी वन थॉट ऑफ टू थिंग्स, उस समय सारे लोगों ने दो चीज़ें सीखी, मतलब सोची। एक तो लोगों की मदद करना जो कि फंस गए हैं, इंजर्ड हो गए हैं, जिनकी चोटें लग गई हैं, जो मतलब दीवारों के नीचे दब गए हैं। विलेज हॉस्पिटल वॉज ऑल्सो डैमेज, गांव का जो अस्पताल था वो भी काफ़ी डैमेज हो गया था। माई डॉग ऑल्सो गॉट फ्रैक्चर्ड, मेरा जो डॉग है उसको भी, देखिए यहाँ पे कहते हैं, फ्रैक्चर हो गया था डॉग को भी। काफ़ी सारे लोग जो है काफ़ी सीरियसली इंजर्ड, काफ़ी सीरियसली भी, मतलब उनको चोटें आई थी, इंजर्ड हो गए थे। और फिर उसके बाद डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ विलेजर्स, डॉक्टर ने ट्रीट किया, मतलब इलाज किया लोगों का, जो गांव के लोग थे उनकी हेल्प से। 6 लोग जो थे विलेज के, उनकी डेथ हो गई। माई ग्रैंड फादर, जो मेरे नाना थे, वो भी दब गए थे घर के नीचे। माई मदर वेप्ट ऑल द टाइम, मेरी मम्मी जो है वो तब से काफ़ी, मतलब उस टाइम काफ़ी ज़्यादा रोती रहती थी। सीइंग माई मदर आई ऑल्सो क्राइड, द एंटायर विलेज वॉज सैड एंड डिस्टर्ब, मतलब मम्मी को देख के मैं भी काफ़ी ज़्यादा रोई, और हमारा पूरा का पूरा गाँव जो था वो काफ़ी दुखी था और काफ़ी डिस्टर्ब था। हाउस ऑफ मोटा बापू, हु इज़ द सरपंच ऑफ आर विलेज, वॉज नॉट मच डैमेज, और वॉज नॉट मच डैमेज, मतलब जो मोटा बापू थे, सरपंच थे गाँव के, उनका घर को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं पहुँचा था। ही गेव राइस एंड वीट टू एवरी वन फ्रॉम हिज गोडाउन, और उन्होंने अपने गोडाउन से, मतलब जो उनका जहाँ पे सामान वगैरह रखा हुआ था, वीट राइस वगैरह, वहाँ से सब उन्होंने लोगों को खाना दिया। काफ़ी दिनों तक विलेज वुमेन, गाँव की जो औरतें थी, उन्होंने साथ मिल करके खाना पकाया मोटा बापू के घर में, और वहाँ पर ही सब लोग खाना खाते थे। इमेजिन बींग विदाउट अ हाउस इन द कोल्ड विंटर, फियर एंड द कोल्ड केप्ट अस अवेक इन द नाइट्स, ऑल द टाइम वी वर वरीड दैट देयर मे बी अनदर अर्थक्वेक, और रात की, मतलब ठंड का मौसम था, देखिए जनवरी का टाइम है, इतनी ठंड होती है, और वहाँ पर
लोगों के पास अपने घर नहीं थे और लोगों को हर समय डर लगता रहता था कि कहीं फिर से भूकंप जो है वो ना आ जाए। फिर हेल्प आने लगी, हेल्प अराइव्स। फॉर सम डेज आफ्टर दैट पीपल फ्रॉम सिटीज़ केप्ट कमिंग टू सी व्हाट हैड हैपेंड। दे केम विद फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ्स। और इस घटना के कुछ दिनों बाद सिटी से, शहरों से लोग आने लगे ये देखने के लिए कि क्या हुआ है। वो खाने के साथ, मेडिसिन के साथ, कपड़ों के साथ आते थे। हर कोई उनकी तरफ भागने लगता था जब उनको देखता था। द क्लोथ्स दैट वी गॉट वर वेरी डिफरेंट। जो कपड़े हमें मिले थे वो काफ़ी अलग थे। वी हैड नेवर वॉन सच क्लोथ्स बिफोर। और ऐसे कपड़े हमने पहले कभी नहीं पहने थे। पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द सिटी हेल्प्ड अस टू पुट अप द टेंट्स। स्टेइंग इन दीज प्लास्टिक टेंट्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स वॉज वेरी डिफिकल्ट। लोगों ने हमारी मदद की प्लास्टिक के टेंट लगाने में, मगर इतनी ठंड में इन प्लास्टिक के टेंट्स में रहना बहुत मुश्किल होता है। सम ऑफ दीज पीपल वर साइंटिस्ट। कुछ लोग इनमें से जो आए थे हमारी मदद करने के लिए साइंटिस्ट थे। दे ट्राइड टू फाइंड आउट विच एरियाज हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग एन अर्थक्वेक। और उन लोगों ने ट्राई किया ये पता लगाने का कि कौन से इलाके हैं जिनमें अर्थक्वेक आने के, भूकंप आने के ज़्यादा चांसेस हैं। पीपल फ्रॉम आर विलेज टॉक टू देम मैनी टाइम्स। दे हैड सजेशंस अबाउट बिल्डिंग आर हाउसेज अगैन। हमारे गांव के लोगों ने उन लोगों से बात की, साइंटिस्ट से, और उनके पास सजेशंस थे कि किस तरीके से हमारे गांव के घर दोबारा बने जाने चाहिए। इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट शोड अस सम स्पेशल डिज़ाइंस फॉर हाउसेस। इंजीनियर्स आए, आर्किटेक्ट आए, उन्होंने स्पेशल डिज़ाइंस दिखाए हमारे घरों को बनाने के लिए। और उन्होंने कहा कि ये जो डिज़ाइन है वो अगर उस तरीके से बन जाए घर तो अर्थक्वेक आएगा, अगर भूकंप आएगा तो भी घर जो है वो डैमेज नहीं होगा। बट आर पीपल वर लिटिल अफ्रेड। मगर हमारे गांव के लोग काफ़ी डरे हुए थे। दे टॉट इफ़ दीज पीपल बिल्ड आर हाउसेज आर विलेज विल नॉट लुक लाइक आर ओल्ड विलेज। तो कहते हैं कि अगर ये लोग हमारे घर बनाएंगे तो हमारा घर अपना जैसा पुराना हमारा गाँव था वैसा दिखाई नहीं देगा। सो द विलेजर्स थाट दे वुड बिल्ड देयर ओन हाउसेज विद देयर हेल्प। द ग्रुप वुड बिल्ड द विलेज स्कूल। तो विलेजर्स कहते हैं कि मतलब हम लोग अपना घर खुद बनाएंगे आप लोगों की मदद से, और आप जो है गांव का स्कूल बना दीजिए। इस टाइप से जो है वो बात बैठती है। वी ऑल वर्क टुगेदर टू रीबिल्ड आर विलेज। हम सब ने मिलकर के काम किया ताकि हमारा जो विलेज है वो रीबिल्ड हो सके, दोबारा पूरा हम लोग सही तरीके से उसको बना सकें। सम पीपल डग एंड ब्रॉट द क्ले फ्रॉम द पॉन्ड। कुछ लोगों ने डग किया मतलब खोदा और पॉन्ड से, तालाबों से मिट्टी लेकर के आए। हमने क्ले को मिक्स किया, मिट्टी को मिक्स किया काउ डंग से और मेड लार्ज केक्स। मतलब मिट्टी में और काउ डंग को, गोबर को, मिट्टी गोबर को मिलाया और उसे दीवारें खड़ी खड़ी करते हैं जैसे गांव में, उसी तरीके से बनाई। वी पुट दीज ऑन वन अनदर टू मेक द वॉल। एक के ऊपर एक रख के हमने जो है दीवारें खड़ी कर दी और फिर वाइट वॉश कर दिया वॉल्स को और डेकोरेट कर दिया उनको ब्यूटीफुल डिज़ाइन और स्मॉल पीसेस ऑफ मिरर से, छोटे छोटे शीशे और ब्यूटीफुल डिज़ाइन देखे जैसे कि इसमें है वो बनाना शुरू कर दिए। वी पुट द थैच रूफ। नाउ आवर हाउस शाइंस लाइक अ डायमंड इन द डार्क नाइट। और थैच रूफ होती है मतलब जैसे कि अच्छा होते हैं भूसा वगैरह उस सब चीज़ों से जो है ऊपर की छत जो है बनाई जाती है लकड़ी वगैरह की हेल्प से। तो इस तरीके से इन लोगों ने घर बनाए। अब आगे है हु हेल्प्ड, किस किसने मतलब मदद की। और न्यूज़ रिपोर्ट है कि भुज में किस तरीके से वो आया था, भूकंप आया था और क्या क्या कैसे कैसे हेल्प मिली, साइंटिस्ट वगैरह आए थे, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें हमें बताई गई हैं। तो अब हमें बताया जा रहा है कि भूकंप आता है तो क्या होता है, और फिर और भूकंप अर्थक्वेक होता है तो उससे क्या क्या डैमेज होता है। तो ड्रॉट कब आता है, सूखा कब पड़ता है, जब रेन नहीं पड़ती है, बहुत ही लंबे समय तक बारिश नहीं पड़ती है तो सूखा पड़ता है। फेमाइन क्या होती है, फेमाइन होती है भूखमरी हो जाना, मतलब जैसे कि जब खाने की चीज़ें अवेलेबल ना हो और भूख से लोग मर रहे हों तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम फेमाइन कहते हैं। और व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा। व्हाट टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज़ आर फेस्ड बाई पीपल ड्यूरिंग फ्लड। देखिए फ्लड होता है जब बाढ़ आ जाती है, तो जब बाढ़ आ जाती है तो लोगों को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए पानी फैल गया हर जगह तो हर चीज़ में पानी भर जाएगा, खाने की चीज़ों में भी पानी भर जाएगा, रहने की जगह घरों में भी पानी भर जाएगा, पहनने के कपड़े नहीं होंगे। और जब बारिश वगैरह रुक जाती है, पानी जब सूखने लगता है वो सड़ता है, सड़ने से मच्छर पैदा होते हैं, फिर मच्छर से बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, बीमारियाँ फैलती हैं और लोगों को दिक्कत होती है। तो अलग अलग नेचुरल डिज़ास्टर्स होती हैं मतलब प्राकृतिक आपदाएँ, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट है ना, और उसके बाद चक्रवात, साइक्लोन्स इस टाइम गुजरात में आया हुआ है ना। तो यही सब चीज़ें होती हैं जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होती हैं, और इस चैप्टर में हमें अर्थक्वेक के बारे में बताया गया था। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।